Hello everyone, welcome back to Neetport as we are discussing about the differences between the sympathetic and parasympathetic nervous system. In the last video, we discussed about the differences on the basis of their characters. Today in this section, we will discuss about the differences between the sympathetic and parasympathetic nervous system on the basis of their functions on several organs. So let's start with the several organs. Let's say first we'll talk about पीपल. देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे सेवरल ऑर्गन्स के हमारे बॉडी में, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके फंक्शंस क्या होते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है पीपल अदर ऑर्गन्स के अलावा. सो आपको याद रखने के लिए मैंने शुरुआत की है स्टार्टिंग से, यानी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो सबसे ऊपर हमारे फेस में पाया जाता है वो हमारी आईज होती है, और आईज में पीपल की हम लोग बात करते हैं. यहाँ से एक सीक्वेंस में चलते हैं सो दैट कि आपको आसानी से याद हो जाए. तो सबसे पहले अगर हम लोग पीपल की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में क्या होता है कि ये डायलेट हो जाता है, और इस केस में ये कंस्ट्रिक्ट होने लगता है. यानी जब फंक्शंस अगर हम देखें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में तो इस केस में पीपल डायलेट हो जाता है. ये बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा जाता है. इवन जब हमारी आंखों में लाइट बहुत तेज़ पड़ती है तो हमारी पीपल क्या होती है, बंद हो जाती है. लेकिन यही चीज़ें जब आप किसी व्यक्ति में देखेंगे जिसमें कि एक हरीनेस है, एक फियर है, एक डर है, या एक कोई क्राइम करके आता है, इवन ही इज सिटिंग इन द रूम वेयर द लाइट इज़ ऑन, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है उसके बावजूद उसकी आईज जो है वो खुली रहती है, या उसकी जो पीपल होती है उसके डायलेट होती है. रीज़न क्या है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इस केस में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाती हैं, इसीलिए हमारी जो पीपल होती है वो डायलेट लगती है. अब हम लोग बात करते हैं आईज से ही रिलेटेड दूसरे फंक्शन के, यानी टीयर्स ऑफ या सिक्रीशन ऑफ टीयर्स जो है इस केस में क्या होगा. सो आइए सेकेंड पॉइंट है हम लोगों का, सिक्रीशन ऑफ टीयर्स. अगर सिक्रीशन ऑफ टीयर्स देखें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये इंक्रीज हो जाता है, और इस केस में डिक्रीज होता है. एक चीज और याद रखिए आप कि जब हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यानी जहाँ पे हम 3F की बात करते हैं, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट के बारे में बात करते हैं, जबकि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, रेस्ट के मामले में या इसमें हमें देखा जाता है कि बॉडी जो हमारा कंफर्ट जोन में होता है. तो जनरली आप मोटा मोटा ये दिमाग में रखिए कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा ये इस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम नहीं होता है. ये मैंने क्यों बताया अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा. सिक्रीशन ऑफ टीयर्स की बात हुई, अब सिक्रीशन से नीचे आइए, यानी आईज से नीचे आइए तो हमारा माउथ आता है जिसमें स्लाइवा का सिक्रीशन होता है. तो थर्ड इज स्लाइवा सिक्रीशन. तो स्लाइवा का सिक्रीशन जो है वो नॉर्मली ऐसे केस में घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी डिक्रीजेस, जबकि इस केस में क्या होगा, इंक्रीजेस. अभी मैंने कहा स्लाइवा जो होता है हमारा समहाउ इट इज़ इन्वॉल्व इन द डाइजेशन प्रोसेस, और मैंने आपको कहा कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो सिंपैथेटिक के केस में नहीं होता है, वो पैरासिम्पैथेटिक के केस में ज़्यादा फेवर करता है. सो स्लाइवा सिक्रीशन विल डिक्रीज, यानी ये उस वक्त जो है स्लाइवा का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा, यानी नॉर्मल से अबव जो है नहीं होगा. थर्ड बात आती है हमारे के स्लाइवा के बाद अगर आप नीचे उतरिए तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना फूड जो पाइप होता है हमारा उससे होते हुए, यानी हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें हमारा फूड मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मूवमेंट विच इज़ नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट. सो यहाँ पे जो पेरिस्टालसिस होगी, मूवमेंट अगर हम सिंपैथेटिक के केस में देखें तो ये डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस, और इस केस में इंक्रीजेस. इस केस में इंक्रीज हो जाएगी। अब आप नीचे उतरिए तो और थोड़ा सा ब्लो जाइए तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बाद हमारा जो मेन ऑर्गन आता है लंग्स और उसके बाद आता है हार्ट के। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हार्ट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट के हार्ट पे आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो हार्ट का जो एम्पलीट्यूड होता है यानी इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड एंड हार्ट रेट दोनों बढ़ जाता है इस केस में, और जबकि इस केस में डिक्रीज होता है, डिक्रीजेज एम्पलीट्यूड एंड हार्ट रेट। हार्ट के बाद अगर आप ध्यान दीजिए तो हार्ट के बाद आपका जो ऑर्गन आता है हार्ट के नीचे जस्ट आप देखेंगे तो स्टमक का रीजन आता है, उससे पहले लीवर है। तो हम लोग बात करते हैं लीवर के बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लीवर या नेक्स्ट ऑर्गन इज लीवर। लीवर के केस में क्या होता है, जनरली हमारी बॉडी में लीवर एक ऐसा मेन ऑर्गन है जो कि ज़्यादातर टाइम में इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए इसको हम टूरिस्ट प्लेस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। सो जो लीवर होता है वो नॉर्मली अगर हम डाइजेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो फूड है उसको स्टोर करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इस केस में चूंकि डाइजेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रोमोट करता है, प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी जो ग्लाइकोजन बना हुआ है उसको तोड़ने का काम करेगा, जबकि इसमें प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है। इसी से जुड़ा हुआ या यूं कह लें कि पास में गॉल ब्लेडर पाया जाता है। गॉल ब्लेडर भी ज़्यादातर टाइम में आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स के जूसेस सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। चूंकि डाइजेशन इसमें नहीं होगा तो ये क्या करता है यानी रिलैक्स कंडीशन में रहता है, रिलैक्सेस, और यहाँ पे क्या करता है ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट। और गॉल ब्लैडर के बाद हम लोग बात करते हैं पैंक्रियाज के बारे में। अगर पैंक्रियाज के बारे में बात करें तो पैंक्रियाज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत हद तक ये हेल्प करता है। तो इस केस में नहीं होता है तो ये क्या करेगा, इनहिबिट्स दी सिक्रीशन, सेवरल टाइप्स के सिक्रीशंस को पैंक्रियाज से इनहिबिट कर देगा सिंपैथेटिक में, और जबकि ये क्या करेगा प्रोमोट द सिक्रीशन। पैंक्रियाज के बाद आप और जाइए नीचे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो इंटेस्टाइनल पार्ट आता है यानी पैंक्रियाज के बाद आपका इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो पैंक्रियाज के बाद आप इस इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को देखेंगे तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करेगा यहाँ पे इनहिबिट द सिक्रीशन, ये सिक्रीशन को यानी डिफरेंट टाइप्स के जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट कर देगा, जबकि यहाँ पे प्रोमोट्स द सिक्रीशन। अब उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बाद अब और डाउन जाइए तो आपका यूरिनरी ब्लैडर आएगा। सो नेक्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। इस केस में यूरिनरी ब्लैडर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे रिलैक्स कंडीशन में रहता है, रिलैक्स, और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ रिलैक्स करेगा यूरिनरी ब्लैडर और वहाँ कंट्रैक्ट करेगा। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यूरिनरी ब्लैडर ये तो जो मेन ऑर्गन्स है जिसमें आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में या उनके फंक्शंस देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा जो इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड के बारे में। तो ब्लड से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं आरबीसीज के बारे में। तो आरबीसी जो काउंट होता है, ये आरबीसी काउंट इस केस में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उस केस इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस, और जबकि इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये डिक्रीज होता है। यहाँ पे बात आई आरबीसीज की, तो इसी से रिलेटेड यानी ब्लड से रिलेटेड ही हम लोग बात करते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग पीरियड है, ब्लड क्लॉटिंग पीरियड जो है वो सिंपैथेटिक के केस में डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेज, और इस केस में इंक्रीजेज यानी बढ़ा हुआ होता है रिलैक्स कंडीशन में जब हम लोग रहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड यानी 13.13 में हम लोग ये देख रहे हैं कि ब्लड से ही रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपी की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की। तो इसमें जो आप देखेंगे तो आर्टीरियल बीपी जो है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है और इस केस में डिक्रीज होता है। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं स्वेट ग्लैंड्स की। सो लास्ट इज स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है ये इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के आधार पर डिफरेंसेस है, इसके अलावा भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिया कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में फंक्शंस के आधार पे क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड इट जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। बट इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन।